हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लकीज फैशन वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं विंटर वेयर्स के बारे में, माय करेंट फेवरेट विंटर वेयर्स, जो कि इन दिनों की सर्दियों में मैं बहुत ज्यादा पहनना पसंद कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बिना ज्यादा बात किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो विंटर वेयर है वो है ये स्वेटर, जो कि हाफ स्लीव का स्वेटर है। ये हाथ से बुना हुआ है और ये बहुत ज्यादा वार्म होता है। ये मेरे पापा को स्वेटर है बट वो मेरे को आ जाता है तो हम उसको पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये बहुत ही गर्म होता है, हैंडमेड स्वेटर बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो मशीन मेड से ज्यादा ये वार्म होता है। तो ये हाफ स्लीव का है, इसका वीनेक है और इसमें बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाया हुआ है और ये बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट है हमारा ये स्वेटर, जो कि ये है रेडीमेड स्वेटर। इसमें जितना भी प्रोडक्ट हम आप लोग को दिखाएंगे वो सारा जो भी क्लोथ्स है सब ये ऑफलाइन बाय किया हुआ है, सब मार्केट का लोकल मार्केट से बाय किया हुआ है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। क्योंकि हम विंटर वेयर्स जो भी वार्म कपड़ा होता है वो सब हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि ऑफलाइन ही बाय करें। तो ऐसे इससे सिमिलर कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा तो आप एक बार देख सकते हैं। तो ये है फुल स्लीव्स का स्वेटर और इसका भी वी नेक है और ये मरून और व्हाइट कलर में है और ये भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ज्यादा बॉडी हगिंग है, बहुत अच्छे से बॉडी में फिट हो जाता है। तो आप इसको किसी भी चीज के साथ वेयर कर सकते हैं, एज अ ब्लाउज भी इसको पहन सकते हैं, साड़ी के साथ, स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हैं। तो जैसे आपको मन करे वैसे आप स्टाइल कर सकते हैं। बट एक चीज और, ये बहुत ज्यादा वार्म बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसको आप लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, थर्मल के साथ ऊपर पहने फिर कुछ और कोट पहने, क्योंकि अभी जिस प्रकार का ठंड है उसमें ये आपका उतना ज्यादा वार्म नहीं करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लोदिंग आइटम है वो है ये इसको बोल सकते हैं आप स्वेट्स है। ये एक हुडी के साथ आता है, ये भी फुल स्लीव्स का है, ये मरू व्हाइट कलर में है। इसके जो आर्म में, इसके बाजू में जो है यहाँ पे रेड और येलो कलर का स्ट्राइप बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है और ये भी अच्छा खासा वार्म करता है। इसमें फ्रंट में ऐसा दोनों तरफ डिजाइन बनाया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा है। ये भी डेनिम जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसको भी आप स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है वो है एक ब्लैक कलर का ब्लेजर। इसमें कोई जिप नहीं है, इसमें कोई बटन नहीं है, बट ये भी आप ठंड के दिन में यूज कर सकते हैं, ये भी वार्म रखता है। इसको गर्मी के दिन में पहनने पे, समर में पहनने पे थोड़ा सा गर्मी लगता है, इसलिए इसको हम विंटर में ही यूज करते हैं। और इसके फ्रंट में दोनों तरफ यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ है, दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में यहाँ पे पॉकेट है। ये भी फुल स्लीव्स का है और इसके स्लीव में यहाँ पे इस टाइप का फोल्डेबल टाइप का डिजाइन दिया हुआ है। इसके स्लीव में यहाँ पे फोल्डेबल डिजाइन आप देख सकते हैं, स्ट्राइप करके दिया हुआ है व्हाइट एंड ब्लैक में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप इसको टी शर्ट किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, टी शर्ट के साथ, शर्ट के साथ, डेनिम के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट था ये, और पीछे से इसमें इस टाइप का फ्रंट में सीधे स्टिच दिया हुआ है इसको फिटिंग देने के लिए। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ये स्वेटर ड्रेस, रेड कलर का है और इसमें व्हाइट कलर का स्ट्राइप दिया हुआ है थोड़ा सा गैप गैप में करके, और इसके इसका नेक डिजाइन कुछ इस तरह का है और इसमें इस टाइप के कट का नेक पे डिजाइन दिया हुआ है। बहुत ज्यादा ओपन नेक नहीं है, ऊपर तक क्लोज है, तो ये बहुत ज्यादा विंटर्स के लिए वैसे भी क्लोज नेक ही ज्यादा बेटर होता है। और इसका स्लीव्स कुछ 3/4 आएगा, पूरा फुल स्लीव्स नहीं है, थोड़ा सा फुल स्लीव्स से छोटा रह जाता है। यहाँ पे हल्का सा इलास्टिक दिया हुआ है जो कि आपके यहाँ पे आके कफ पे आके पकड़ लेता है, जैसे कि टाइट हो जाता है। तो ये है स्वेटर ड्रेस, इसके नीचे में भी दिया हुआ है हल्का सा इलास्टिक टाइप, एकदम लाइट इलास्टिक दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसको आप किसी भी तरह से जैसे स्टॉकिंग्स के साथ पेयर करके पहन सकते हो, बूट के साथ, डेनिम के साथ, एज अ ब्लाउज इसको भी यूज कर सकते हो साड़ी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एज अ ड्रेस भी आप पहन सकते हो स्टॉकिंग्स रग्स लेके। यदि आपको इसका स्टाइलिंग देखना है कि किस किस तरह से आप स्वेटर ड्रेस को स्टाइल कर सकते हो तो हमको कमेंट में जरूर बताइए, हम आप लोगों का जरूर करके दिखाएंगे, इसका स्टाइलिंग एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है स्वेटर ड्रेस। इस पूरे वीडियो का सबसे मेरा जो करंट फेवरेट है, सबसे ज्यादा फेवरेट जो है मेरा, वो है मोस्ट फेवरेट, वो है ये ब्लैक कलर का श्रग, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इस सब में सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेरा यही है। हमको अभी तक तो फिलहाल इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किए हैं, लेकिन इसको हम करेंटली ही खरीदे हैं, अभी करेंट बाय किए हैं और ये हमको बहुत ज्यादा पसंद है। ये आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, साड़ी के साथ, सूट के साथ, डेनिम के साथ,
और ये श्रग हमको बहुत ज्यादा पसंद है। पूरे जो पूरा जो आपको दिखा रहे क्लोदिंग आइटम, उस सब में सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा। ये कुछ इस टाइप का पूरा लॉन्ग श्रग है ब्लैक कलर का, ये कुछ इस टाइप का है। साइड से इसका ऐसे कट है, हाई लो कट में है और ये बहुत ही अच्छा है। ये हम वीमार्ट से लिए थे, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका प्राइस हमको पड़ा था 1,999 पड़ा था, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस हमको याद था इसलिए हम आप लोग को बता दिए। और ये श्रग बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है अभी करंट में, तो मोस्ट फेवरेट है और ऑलवेज ये फेवरेट रहेगा अभी, आई थिंक सो। तो ये था नेक्स्ट। और नेक्स्ट है ये ओवरसाइज कोट, ये भी आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और ये भी अभी के विंटर्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबके पास ऐसा कोट होना ही चाहिए, क्योंकि ये आप इसको भी किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, किसी भी चीज के साथ स्टाइल कर सकते हैं। और ओवरसाइज कोट तो बहुत ही अच्छा लगता है विंटर्स के दिन में, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ये सबके पास होना भी चाहिए। ये ओवरसाइज का कोट है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है, चेक चेक करके इसका डिजाइन है चेक में, और ये फुल स्लीव्स का है। और इसका यहाँ पे वेस्ट पे इसके बेल्ट दिया हुआ है इस टाइप का, यहाँ पे लूप दिया हुआ है, ऐसा बेल्ट दिया हुआ है, आप इसको ऐसे लगा के पहन सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं अपने वेस्ट से। इसमें इस टाइप का बटन भी दिया हुआ है ब्लैक कलर का, आप देख पा रहे हैं इसको, यहाँ पे ऐसा बटन दिया हुआ है और इसका ऐसा स्लीव्स दिया हुआ है, इस टाइप का इसका स्लीव्स है, जिसमें यहाँ पे भी ये स्टाइलिंग के लिए दिया हुआ है ऐसा बटन और ऐसा इस टाइप से दिया हुआ है, तो ये भी बहुत सही होता है। इसके यहाँ पे भी इस टाइप का लुक दिया हुआ है इसके स्टाइलिंग के लिए बस। और यहाँ का जो इस पे जो वेस्ट में जो इसके बेल्ट दिया हुआ है बस, ये यूजफुल है, इसको आप अपने वेस्ट के पास टाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये ओवरसाइज कोट तो होना ही चाहिए, ये बहुत ही यूजफुल होता है, आप कैसे भी स्टाइल करो ये बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो का और एक है लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है, नहीं लास्ट नहीं, आप सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं, कैप तो बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन ये जो कैप है ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत वार्म करता है, वो है इस टाइप का कुछ ब्लैक कलर का, ये पूरा हेयर जैसा ही लगता है। ये हमको बहुत ज्यादा भी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मेरा करंट फेवरेट बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वार्म रखता है। हम कहीं भी जाते हैं तो और कोई कैप पहनना पसंद नहीं करते, हमको यही ज्यादा अच्छा लगता है और हम यही पहन रहे हैं। ये भी मेरे पापा का है जो कि हम यूज कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक है स्कार्फ या मफलर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो है इस टाइप का फर में, ये भी विंटर्स के दिनों के लिए ही, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बहुत ज्यादा वार्म रखता है। तो ये भी है, ये था लास्ट। तो यही था मेरा मोस्ट करेंट फेवरेट विंटर वेयर्स, इसी सारे क्लोथ्स को मैं इन दिनों बहुत ज्यादा पहनना पसंद कर रही हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए यूजफुल रहा हो। आप लोगों को भी यदि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा जरूर चेकआउट करें ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप लोगों को इसका सिमिलर प्रोडक्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन जरूर मिल जाएगा। तो हम आप लोगों को दो चीज प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करेंगे, एक वो श्रग और एक वो हाफ स्वेटर जो हाथ से बुना हुआ था, हाथ से जो बुना हुआ स्वेटर था वो बहुत ज्यादा वार्म रखता है, इसलिए आप वैसा स्वेटर एक जरूर बनवाएं अपने घर में। और एक श्रग ब्लैक कलर का श्रग जो कि वो वेस्टर्न में तो यूज आता ही है, आप उसको एथनिक वेयर के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सूट के साथ, साड़ी के साथ, तो आप ये दोनों अपने पास जरूर रखें, ये मस्ट बाय है, आप जरूर कहीं ना कहीं से बाय कर लें। तो यहीं पे करते हैं अपने वीडियो को एंड। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।